पाकिस्तान के दुश्मन देशों की लिस्ट में इसराइल भारत से भी पहले आता है। यहाँ तक कि इसराइल को पाकिस्तान एक देश के तौर पर मान्यता तक नहीं देता। दोनों के बीच ना तो राजनयिक संबंध है और ना ही दूतावासों का संचालन होता है। यही बड़ी वजह है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पर लिखा होता है इस देश को छोड़कर सभी के लिए मान्य। इस देश का मतलब इसराइल से है। आलम यह है कि पाकिस्तान के नागरिक खुद चाहकर भी इसराइल नहीं जा सकते। इस बात से आप समझ ही गए होंगे कि इसराइल पाकिस्तान की हेट लिस्ट में नंबर वन पर है। यही वजह है कि हाल में हुए युद्ध को लेकर पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ तल्ख तेवर दिखा रहा था। इसराइल के मामले में पाकिस्तान ठीक ऐसे ही कूद रहा था जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला। पाकिस्तान शुरू से ही गाजा के साथ रहा, जबकि इसराइल शुरू से ही ये कहते रहा कि हमारी लड़ाई हमास के आतंकियों के साथ है। और अब इस मामले में एक और खतरनाक जानकारी सामने आई है। दरअसल चरमपंथी संगठन हमास के लड़ाकों को मिलिट्री ट्रेनिंग पाकिस्तानी सेना की ओर से मिल रही है। ये चौंकाने वाला दावा किया है पाकिस्तान के ही एक वरिष्ठ नेता ने। बता दें कि पूर्व राजनयिक राजा जफर उल हक ने खुलासा करते हुए कहा कि पाकिस्तान की सेना हमास को ट्रेनिंग देती है और ये अभ्यास बहुत पहले से चल रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो दावा किया जा रहा है कि गाजा में पाकिस्तानी सेना का एक ट्रेनिंग सेंटर बहुत पहले से बना हुआ है, जिसे पाकिस्तानी सेना के स्पेशल कमांडो यूनिट SSG की एक बटालियन संचालित कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि ट्रेनिंग काफी सालों से चल रही है। ऐसे में सवाल ये कि राजा जफर उल हक कौन है और क्या उनके दावों को गंभीरता से लेना चाहिए, उनके दावों में कितनी सच्चाई है। तो बता दें कि राजा जफर पाकिस्तानी सांसद हैं और अगस्त 2018 से मार्च 2021 तक पाक संसद में विपक्ष के नेता थे। वो जियाउल हक के कार्यकाल के दौरान मिस्र के राजदूत भी रहे। वो सरकार में रहते हुए कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुसीबतें और बढ़ सकती है, क्योंकि पहले से ही पाकिस्तान पर आतंक फैलाने के आरोप लगते रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।